चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। इलाहाबाद कोर्ट की लखनऊ बेंच का बड़ा आदेश सामने आया है। हाई कोर्ट ने याचिका को मंजूर किया है। नगर विकास का नोटिफिकेशन गैर कानूनी। नगर विकास विभाग का नोटिफिकेशन रद्द किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ओबीसी आरक्षण के बिना नगर निकाय चुनाव होगा। निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इलाहाबाद कोर्ट की लखनऊ बेंच का बड़ा आदेश सामने आया है। इस खबर पर हमारे संवाददाता विवांशु से जुड़ेंगे। विवांशु, हाई कोर्ट का फैसला आ गया है, बिना ओबीसी आरक्षण के नगर निकाय चुनाव होगा, क्या कुछ पूरी जानकारी है इसको लेकर? जी मयूरी, आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने ओबीसी आरक्षण पे आज फैसला सुना दिया। आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता की जो पिटीशन थी उसको मंजूर किया है। साथ ही साथ अब आयोग को अपने जो ओबीसी का आरक्षण की जो ट्रिपल लेयर टेस्ट होता है उसको फिर से किया जाएगा और आयोग को ही चुनाव की तिथियों का ऐलान करना होगा। हमारे साथ याचिकाकर्ता है जो कानपुर देहात से है। अच्छा, आप पूरी कार्रवाई में अंदर थे, क्या पूरा कार्रवाई रही और उसमें क्या क्या दलीलें दोनों तरफ से रखी गई, हमारे दर्शकों को आप बताइए। हमारी दलील ये थी कि जो ट्रिपल लेयर सर्वे कराया जाए और डोर बाय डोर सर्वे कराया जाए, जिसमें सभी लोगों को आरक्षण मिल सके और चुनाव जल्द से जल्द हो सके। अच्छा, ये बताइए कि इसमें आप आरोप लगा रहे हैं कि कानपुर देहात जहाँ से आप आते हैं वहाँ अगर देखें तो दशकों से आप, जहाँ तक आपसे बातचीत पता चली कि दशकों से वहाँ ओबीसी आरक्षण को पूर्ण रूप से पालन नहीं करा जा रहा था, क्या है पूरा मामला और क्या दिक्कत आ रही थी? जी ऐसा नहीं है, मैं सिकंदर कानपुर देहात से हूँ। ये जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपके, हमारा नगर पंचायत सिकंदर 1988 में गठित हुआ, जब से वहाँ पर सामान और बैकबल और लोगों का दबदबा रहा और वही सीटें उनकी आई हैं। तो हमारा कोर्ट से जो हमने रिट डाली थी, मैंने ये कहा था हमारा भी सुना जाए, हमारे समाज को, एससी समाज को मौका दिया जाए। तो हमारी जो दलील थी कोर्ट से, ये दलील थी कि 1988 से अभी तक सुरक्षित सीट नहीं हुई है, जो कि हमारे नगर में एससी समाज के काफ़ी लोग हैं, हम काफ़ी जनसंख्या में, तब भी अभी तक एससी सीट नहीं आई है। तो हमारा कोर्ट से यही कहने का मतलब था कि हमारे समाज को न्याय मिल सके और चुनाव जल्द से जल्द हो सके। सर, कितनी सहमत है फैसले पे आप? मैं कोर्ट के फैसले से पूर्ण रूप सहमत हूँ और जो सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगा उससे भी मैं सहमत रहूँगा। जी अच्छा, आप भी कार्रवाई में अंदर थे, पूरी कार्रवाई में कई सवाल जवाब और कई दलीलें पेश की गई होंगी, कुछ हमारे दर्शकों को बताइए क्या रहा अंतिम फैसले का रूप? देखिए, आज कोई भी, जैसे पहले सभी को पता है कि 24 तारीख को अंतिम बहस हुई थी और उसके बाद सरकार, कोर्ट ने ऑर्डर को रिजर्व कर लिया था। ऑर्डर रिजर्व करने के बाद आज सिर्फ सरकार ने फैसला सुनाया है, कोर्ट ने अपना फैसला दिया है और फैसले में ये कहा है कि अगर गवर्नमेंट को इलेक्शन करवाने हैं तो 31 तारीख तक की एक डीएम की अध्यक्षता में एक डेडिकेटेड कमीशन आयोग का गठन कर ले और उसकी अध्यक्षता में ओबीसी की जनगणना होगी, उसके बाद आप इलेक्शन को करवा सकते हैं। और जो 5 तारीख को नोटिफिकेशन आया था उसको पूर्ण रूप से उसको नकार दिया है कोर्ट ने। दूसरा ये बोला है कि अगर आपको जनवरी माह में इलेक्शन करवाने हैं तो आप महिला आरक्षण होरिजेंटल दे करके उसके साथ साथ एससी एसटी और सीटों को अनारक्षित करके आप इलेक्शन को करवा सकते हैं। आज ये पूर्ण जो मुख्य मुद्दे थे इस फैसले में, ये दो थे। और इससे पहले जो बहस हुई थी वो बहस के मुद्दे 24 तारीख को ही पूरे हो गए थे, जिन पर बहस हुई थी कि जो 2017 की जनगणना का मानक दे रहे थे, सरकारी जो गवर्नमेंट लॉयर थे उसका मानक दे रहे थे, उसको भी कोर्ट ने आज नकार दिया है। अच्छा, अगर बात की जाए तो आज नगर विकास विभाग का जो यहाँ पे चीज़ें दी गई थी, उनके तरफ से दलील दी गई थी, उसको पूरी तरह से माननीय हाई कोर्ट ने नकार दिया है और याचिकाकर्ता यानी कि पेटिशनर की बातों पर कहीं ना कहीं सहमति जताई है। तो आगे का क्या होगा, अब इसमें कोर्ट की तरफ से क्या बताया गया, आयोग ही चुनाव का तिथियों का ऐलान करेगा? देखिए, चुनाव करवाने का जो मेन मुद्दा है तो वो चुनाव आयोग के पास है और जो उसके जो सिस्टम है वो सरकार को डिसाइड करना होता है। तो इसमें जो अभी फैसला आया है उसमें जो गेंद है वो सरकार के ही पाले में है, क्योंकि दोनों ऑप्शन सरकार को ही दिए गए हैं कि अगर अभी इलेक्शन करवाना है तो उसका दिया गया है और इलेक्शन को ओबीसी रिजर्वेशन के साथ में करवाना है तो अप्रैल और मई में जब भी डेडिकेटेड कमीशन आयोग का गठन हो जाएगा और उसके आगे फिर इलेक्शन का जो डेट है उसका लिया जाएगा, मतलब निर्णय ये सरकार को ही लेना है। तो इसमें कुल मिलाकर के जो गेंद है वो सरकार के ही तरफ है। अच्छा, आप हमें ये बताएं कि ट्रिपल लेयर टेस्ट की बात चल रही थी,
कि 2017 के जो ट्रिपल लेयर टेस्ट है उसी के आधार पर चुनाव हो रहा था जिसपे यहाँ चुनौती दी गई थी, उसको लेकर माननीय न्यायाधीश ने क्या कहा? देखिए मैं पहले आपको बता दूं, जो 2017 में ट्रिपल लेयर टेस्ट की बात हो रही थी वो ट्रिपल लेयर टेस्ट नहीं था, ओबीसी रिजर्वेशन के लिए जो ओबीसी एजुकेशनल रिजर्वेशन दिया जाता है उसका एक रैपिड सर्वे था जिसमें हेड काउंट किए जाते हैं कि कितने मेंबर्स हैं ओबीसी के हमारी कम्युनिटी में। बट यहाँ पे बात हो रही थी पॉलिटिकल रिजर्वेशन की ओबीसी में, तो सरकार ने 2017 का जो निर्णय था, जो ओबीसी की जनगणना थी, उसको यही कहते हुए जो रैपिड सर्वे था खारिज किया है कि आपको पॉलिटिक्स में जो रिजर्वेशन देना है उसके आधार पर आप दीजिए, ना कि एजुकेशनल जो आपने सर्वे ओबीसी का हेड काउंट करवाया था उसके आधार पर आप ये जो राजनीतिक आरक्षण है वो नहीं दे सकते। जी बिल्कुल, हमसे बात करने के लिए तो इस वक्त हम लखनऊ हाई कोर्ट पे हैं, जहां तस्वीरों में देख सकते हैं, हमने सहयोगी से कहूंगा कि दिखाएं कि यहां अगर बात की जाए तो आज ओबीसी आरक्षण को लेकर फैसला सुनाया गया है और लखनऊ बेंच आदेश देते हुए नगर विकास विभाग का जो नोटिफिकेशन था उसे रद्द किया है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि सरकारी वकील भी यहां मौजूद है, उनसे भी हम संवाद साधने का प्रयास करेंगे। साथ ही अगर बात की जाए तो इसमें साफ तौर से अगर देखें तो इस फैसले में अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या अब जो यहाँ सरकार के वकील हैं और याचिकाकर्ता हैं वो आगे क्या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। मगर कोर्ट की तरफ से कह दिया गया है कि आयोग तिथियों का ऐलान करे और फिर से ट्रिपल लेयर टेस्ट किया जाएगा। ओबीसी आरक्षण को लेकर पूरी तरह से इसको नकार दिया है, ओबीसी आरक्षण के बगैर नंदनी इस बार मयूरी इस बार चुनाव होंगे। जी फांसू, कोर्ट ने बिना आरक्षण के तत्काल चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं, तो कब तक तारीखों का ऐलान हो सकता है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो ये कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि ये चुनाव आयोग के अब हाथ में चला गया है, आयोग ही चुनाव की तिथियों का ऐलान करेगा। चुनाव आयोग जो चुनाव की तिथियां उसका ऐलान कर देगा, मगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो फरवरी महीने में बोर्ड के एग्जाम है। साथ ही अगर देखा जाए तो फरवरी में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट है उत्तर प्रदेश के अंदर में, तो कहीं ना कहीं अगर देखें तो चुनाव अब देखने वाली बात होगी कि चुनाव आयोग किस महीने में चुनाव भेजता है। मगर राजनीतिक पंडितों के मुताबिक देखें तो चुनाव मार्च और अप्रैल तक जा सकता है। जी धन्यवाद जुड़ने के लिए। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।